water. All right. Okay, wait. ये देखो ये वाला KW डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको कैसे करते हैं रुको मैं बताता हूं। किधर थे हम लोग, किधर थे, किधर थे, किधर थे, किधर थे, ये वाले पॉइंट पे थे हम लोग, राइट। ओके, सो ये जो है तुम्हारा, वेट, ये आएगा तुम्हारा ऐसे। हम लोगों के पास वाटर होता है राइट, H2O, तो इसका KW हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ योर वॉटर है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ योर वॉटर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो KW इज इक्वल टू, वॉटर का डिसोसिएशन कैसे होता है, H प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस, राइट। ओके ओके ओके, सो अभी इसका देखो कैसे आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा इसका, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय टोटल एच टू ओ, राइट। ओके, सो ये आ गया तुम्हारा KW। तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर हम लोगों को रिलेशन निकालना है किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस का अगर हम लोगों को रिलेशन निकालना है, तो हम लोग रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन का फॉर्मूला है KW इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए फॉर एसिड मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। तो ये फॉर्मूला से हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं राइट, ये फॉर्मूले से। ओके, तो ये जो KB दिया है, ये KB इट इज फॉर योर बेस, KB इट इज फॉर योर बेस, तो ये ऐसे ही है, ये OH माइनस आयन निकल रहा है, ये सोडियम प्लस निकल रहा है राइट, मतलब Na प्लस है राइट, Na प्लस है ना, NaOH है, तो ये जो OH है, ये OH माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये NaOH है वो HA को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये A माइनस जो है ये पूरे के पूरे NaOH को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट, ये पूरे के पूरे NaOH को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है राइट। वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, देखो राइट, Na प्लस O H माइनस, तो KB हम लोग कैसे निकालेंगे, KB इज इक्वल टू क्या क्या था, H प्लस आयंस इंटू OH माइनस आयंस था ना, तो यहाँ पे भी कैसे आएगा, पहले OH माइनस हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि OH का हम लोग सॉरी मतलब बेस का हम लोग OH ही कंसिडर कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम था ना, कॉन्जुगेट एसिड था, तो ये कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे आएगा Na प्लस राइट, यहाँ पे आ गया, सो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूर NaOH राइट, तो ये ऐसे आएगा राइट right? तो देखना यहाँ पे, तो ये जो OH है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है ये वाला, नीचे वाला जो फॉर्मूला दिया है, तो नीचे वाले फॉर्मूले में OH का मीनिंग अपना OH ही है, HA का मीनिंग अपना सोडियम प्लस है, और A माइनस का मीनिंग अपना पूरा का पूरा NaOH है राइट right? अभी समझा yes? Yes. Okay. बाकी लोगों को किसको डाउट था, ऑलराइट, तो अभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, KW इज इक्वल टू KA है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ यूर बेस, तो अभी हम लोगों को बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो क्या आएगा, KB इज इक्वल टू KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो वैल्यू पुट की हम लोगों को एसिड की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, वाटर की हम लोगों को उन्होंने दी होगी, मतलब एग्जांपल में दी होगी, तो
तो वो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को के के बी का वैल्यू मिला 1.58 × 10⁻¹⁰. इतना वैल्यू हम लोगों को मिला, राइट? इतना वैल्यू हम लोगों को मिला बाय पुटिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज, राइट? ओके, तो ये करके उन्होंने आगे वाला कैलकुलेशन किया है. सो प्रीडोमिनेंट आयन इन सॉल्यूशन ए माइनस, ओके, व्हिच इज अ वीक बेस, ए माइनस इज अ वीक बेस, ओके, मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जितना मोल्स ऑफ एसिड आ रहा था, कितना मोल्स ऑफ एसिड आ रहा था, एसिड कौन था यहाँ पे, NaOH, सॉरी क्या था इतना, ये हमारा Na प्लस था, नहीं, मोल्स ऑफ एसिड पूरा का पूरा एसिड C6H5COOH था, राइट? इसका टोटल पूरा एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना, इक्विवेलेंस पे कितना हम लोग कर रहे थे, 100 ml ऑफ कितना था एसिड का प्लस 100 ml ऑफ कितना था बेस था, राइट? तो टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पे डाला 200, कितना डाला 200. तो जाके ये जो मोल्स ऑफ एसिड हम लोगों ने डाला था उसको जब भी हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.05 मोल. तो ये क्या था, ये क्या था, ए क्या था, NaOH था, क्या था, NaOH, है ना, ये. ऑल राइट, सो ऐसे हम लोगों को इक्विवेलेंस पॉइंट मिला कि कितना हम लोगों ने NaOH यूज किया, कितना NaOH हम लोगों ने यूज किया, राइट? ओके, अभी क्लियर है पूरा का पूरा ये? यस सॉरी, HA means क्या हुआ, HA means OH minus और HA, अभी तो मैंने बोला था वहां पे ना कि सोडियम को अगर हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं NaOH को, तो बेटा इसमें क्या क्या फॉर्म होगा, Na प्लस फॉर्म होगा, OH माइनस फॉर्म होगा. तो जैसे हम लोगों ने वाटर का फॉर्मूला लगाया था, तो वाटर के फॉर्मूला के हिसाब से देखो, पहले कौन था वाटर फॉर्मूला में, H प्लस था, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट, OH माइनस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वाटर, टोटल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, H2O, टोटल वाटर, पूरा का पूरा अनडिसोसिएटेड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. तो उस हिसाब से देखना, OH माइनस मतलब कौन आएगा, यहाँ पे OH माइनस ही आएगा, Na मतलब HA आएगा, और पूरा का पूरा NaOH मतलब नीचे A माइनस आएगा. अभी राइट है, चेक करना. हाँ सर, ओके. okay? तो यही तो यूज करना है, बाकी इसमें कुछ यूज नहीं करना है, बस सिंपल थिंग, है ना. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, राइट? आगे बढ़ू, किसी को कुछ डाउट इसमें, अगर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा रट्टा मार लो, वैसे भी इसका कुछ फायदा नहीं है आगे जाके, ठीक है? मैं अभी से बोल रहा हूँ, तुम लोगों सीधा मुंह पे क्लियर कट कर रहा हूँ, ठीक है? इसका तुम लोग किधर भी जाके यूज नहीं करोगे, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो अभी उन्होंने वही किया, तो KB का वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला उन्होंने यूज किया. तो ये जो X है, ये X मेरे को पता करना है क्या है, राइट? तो X एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अभी देखो, X हम लोगों को निकालना है. तो X को निकालने के लिए उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, KB इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻¹⁰. तो KB कहाँ से आया, ये वैल्यू किधर से आई हमारी, ये वैल्यू हमारी किधर से आई, 1.8 वाली, पिछले वाली स्लाइड से, ये देखो किधर गया वो, हाँ ये वाला. तो ये निकाला था हम लोगों ने, केबी का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था. तो ये वैल्यू आने जैसे आई हम लोगों को, तो हम लोगों ने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया. एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, तो ये जो 0.05, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और उसका अंडर रूट ले लिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारी एक्स. तो एक्स क्या है आगे जाके पता चलेगा, ओवर हाइड्रेशन, नहीं, x की वैल्यू इधर भी उन्होंने नहीं दिया थी, राइट? सो जो 1 बजे का लेक्चर है, वो 1 बजे के लेक्चर में ये x की वैल्यू क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे रीड करना पड़ेगा ये, राइट? ऑल राइट, ओके. अगला वाला पॉइंट, ओवर टाइट्रेशन, अगेन 10 ml ऑफ एक्सेस सोल्यूशन हो गया. तो 10 ml ऑफ एक्सेस सोल्यूशन जैसे हम लोगों ने किया था, सेम वैसे ही चीज तुम लोगों को करनी है. OH माइनस ऑफ आयंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 0.10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था. कितना एक्सेस ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने डाला, 10 ml. टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने कितना डाला, 210, क्योंकि कितना था, इक्विलिब्रियम पे ही तो हमारा 200 ml हो गया था, 100 ml प्लस 100 ml. अभी तो हम लोगों ने 10 ml एक्स्ट्रा डाला है, तो वो जाएगा 110 ml. तो उसका आएगा 0.048 मोलर. तो pOH अपना निकला 2.23. pH निकालने के लिए हम लोगों को 14 से माइनस करना पड़ेगा, तो pH निकला अपना 11.68,
है ना, क्या निकला पीएच अपना 11.68 निकला, राइट। तो ये था तुम्हारा ओवर टाइट्रेशन वीक एसिड एंड वीक बेस का, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज यूर वीक एसिड एंड वीक बेस का क्या है ये तुम्हारा, फिर से अगेन वो 110 मतलब 10 ml एक्स्ट्रा कर दिया, 20 ml एक्सेस में डाल दिया, 30 ml एक्सेस में डाल दिया, 40 डाल दिया, 50 डाल दिया, तो उसका टोटल वॉल्यूम भी बढ़ता चला गया और उसका पीएच भी आगे आगे बढ़ता चला गया। सो अगेन देखना यहाँ पे यही चीज हो रही है, इसका भी ग्राफ कैसे आ रहा है, सेम जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोगों ने जो ग्राफ निकाला था सेम उसके जैसे ही ग्राफ आ रहा है। कल भी मैंने यही तो एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा भगाते भगाते एट द एंड कि जो ग्राफ आ रहा है वो किसकी तरह आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह आ रहा है, बट जो ये पीक यहाँ पे मिल रहा था डायरेक्ट जंप कर रहा था, अपना जो पीएच था वो जंप कर रहा था, वो जंप यहाँ पे थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो बस इतना ही डिफरेंस है उन दोनों में, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड देन नेक्स्ट वन इज योर एंड ऑफ लेक्चर नोट्स, तो यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया, अभी अगला वाला है, इसमें से और एक बचा है, वो बचा है अपना किसका, वीक एसिड वीक बेस का, किसका वीक एसिड और वीक बेस का, वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, राइट। ओके, सो वन सेकेंड एक सेकेंड देना मुझे। हाँ पीडीएफ सेंड कर दो प्रीति, डोंट वरी। एसिड बेस की थियरीज हो गई, रुको, एसिड बेस की थियरीज हो गई, देन उसके बाद में मैंने एसिड बेस का इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो भी बताया था अपन ने, पीएच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेंट क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होता है, राइट। देन उसके बाद में ये पूरा का पूरा बताया मैंने, देन उसके बाद में फिनॉल फ्थेलिन क्या होता है वो भी मैंने बताया है, राइट। ओके, देन ओके, मैं एक चीज का फोटो भेजता हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व हम लोगों ने देखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोगों ने देखा है, वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों का यही तो दोनों का सेम ही है, तो वो हम लोगों ने देख लिया है, राइट। बस ये ध्यान में रखना, ये देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखना ग्राफ देखो, राइट, ऐसे ही ग्राफ का नाम अपना ग्राफ ऐसे ही था, ये बाबा माइक बंद करा, कुनाचे चालू आहे माइक, 100 वेळा सांगायचं का वैभव, हा तो ये किसका था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ये ग्राफ था, राइट, ये ग्राफ था। ऐसे ग्राफ आएगा वीक एसिड वीक बेस का, नोट डाउन करके रखो, फिर बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं, कंफ्यूजन हो गया। यहां पे पीएच आएगा, यहां पे कौन आएगा, टाइट्रेंट, राइट। ओके, वेट, अब उल्टा करो, यहाँ पे वीक एसिड की जगह वीक बेस ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, राइट। वन सेकेंड, वीक बेस, अब उल्टा हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा, देखो ऐसा। थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ कैसे निकाला था, थोड़ी देर पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का, सॉरी वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ मैंने कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था, राइट। ये वाला था मेरा किसका, रेड कलर का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जो ब्लू कलर का है ये किसका है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, देखो ये भी दोनों के दोनों सेम ही आ रहे, राइट। ये कर लो, ये सेम जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था ना, सेम वैसे ही ग्राफ आने वाला है, राइट, सेम वैसे ही ग्राफ आएगा ये भी, ठीक है, चलो क्लियर, ये भी क्लियर।
ठीक है। अभी इसके बाद बचा है सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड का, किसका, वीक एसिड वीक बेस का, किसका बचा है, वीक एसिड और वीक बेस का। इस पर इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ कैसे आएगा, देखो ऐसे ग्राफ आएगा इसका, वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ ऐसे आएगा, सिग्मोइडल, सिग्मोइडल इन शेप, सिग्मोइडल इन शेप। ओके ओके एक मिनट देना भी मुझे, ठीक है, स्टॉप शेयर। PCI का सिलेबस चेक करता हूँ कि ये चैप्टर में और क्या क्या था, ठीक है, एक सेकेंड, ये चैप्टर में और क्या क्या था वो देख लेता हूँ एक बार, रुको रुको। देखना अपना क्या क्या हो गया, थेरीज हो गई, एसिड बेस के इंडिकेटर मैंने फिनॉल फ्थैलीन और वो अभी मैं उसका टेबल भेज रहा हूँ एसिड बेस का इंडिकेटर का, ठीक है, थेरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर वो भी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, उसका भी हम लोग कर लेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, कौन से चार टाइप के थे, चार टाइप के, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे कुछ तो था, ये चार थे। थेरीज इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन, थेरीज मैंने चारों के चारों दिए, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व अपन ने पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए है, एक्सेप्ट वीक एसिड और वीक बेस का, एक्सेप्ट वीक एसिड और वीक बेस का, राइट, तो ये कंप्लीट कर लिए। इसमें से बचा है ये बस ये वाला एसिड बेस का इंडिकेटर, इंडिकेटर का मैं अभी भेज रहा हूं तुम लोगों को, और ये न्यूट्रलाइजेशन में से एक पॉइंट बचा है वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और एंड वीक बेस का, है ना, इतना ही बचा है, ये दो पॉइंट बचे हैं। आज अपना एसिड बेस टाइट्रेशन दोपहर के 1 बजे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, किसी को कुछ डाउट? सर हाँ बोला, एक ग्राफ निकालने के क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ ऑब्वियसली बेटा, मतलब अभी तो एमसीक्यूज में नहीं आने वाले ना, डेफिनेटली अभी एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, ऑलराइट, बट अगर सेमिस्टर की एग्जाम होती है तो वहां पे तुम लोगों को ऑब्वियसली ग्राफ वगैरह निकालना पड़ेगा या फिर ये इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। अभी मैंने इक्वेशन के ऊपर ज्यादा क्यों फोकस नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग एमसीक्यूज के क्वेश्चन में क्या इक्वेशन निकालते बैठोगे यार, कितना कैलकुलेशन करते बैठोगे, तो इसकी वजह से मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, कि फोकस करना है तुम लोगों को थ्योरी के ऊपर, ठीक है, तो वो हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ठीक है। वायवा मध्ये प्रश्न विचारता का तुम्ही? हाँ वायवाला मी प्रश्न विचारणारच आहे, मग मी सेम चॅप्टर तुम्हाला करायचं आहे, सेम चॅप्टर तुम्हाला करण्याचं आहे वायवाला, कशाला टेन्शन घ्यायचं आहे, ये एक ही चॅप्टर तुम लोगों को वायवा एंड थेरी के लिए करना है, राइट, एक ही चॅप्टर, इसके ऊपर तुम लोगों का सेशनल निकल जाएगा, ट्रस्ट मी, टेन्शन मत लो। हॅलो सर। हाँ बोलिए बोलिए जी सर, कालची आणि आजची जी रेकॉर्डिंग पाठवा। हाँ पैसे द्या आधी मला, चल 10,000 रुपये पाठव मला, मग रेकॉर्डिंग पाठवतो तुला। हा सर पाठवतो पाठवतो मी, ऍक्च्युली कसं आहे, मी जरा स्टॉक बनवतो पहिल्यांदा 2-3-4-5 लेक्चरचा आणि मग एकदम अपलोड करतो, तर मी आता सगळे लेक्चर अपलोड करून देत, ठीक आहे, सो झालं माझ्याकडे स्टॉक बऱ्यापैकी, तो आता मी सगळं अपलोड करतो, ऑल राईट। हा सर ओके, और कोई किसी को डाउट? बोलो, तुम लोगों का गाइस बेसिक ये आता है मोलारिटी कैलकुलेट करने को, बेसिक मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब लोगों को आता है क्या?
यस 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 कितने लोगों को आता है, जस्ट रेज योर हैंड, बेसिक बेसिक जस्ट रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोगों को आता है मोलारिटी कैलकुलेट करने को, करो 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 करो, 20 हो गए, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33 हो गए बस, 45, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 5, मोलारिटी कैलकुलेट करने को किसको किसको आता है, 46 हो गए, 47 हो गए, 48, 48, 50, 52, ऑल राइट, तो अपने पास टोटल 52 लोग हैं जिन लोगों को मोलारिटी कैलकुलेट करने को आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, राइट, तो ऐसे लोग भी है अपने पास जिन लोगों को मोलारिटी नहीं आती, ठीक है, कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलो। सो अभी क्या करते हैं, बेसिकली जो वीक एसिड और वीक बेस का है उसका मैं क्या करता हूँ, ग्राफ और जो बाकी का इंडिकेटर का जो जितना भी मेरे पास है वो क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा नोट्स कलेक्ट कर लेता हूँ, वो अपन 1 बजे के लेक्चर में वो 2 पॉइंट बचे ना वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स, एंड देन उसके बाद में मैं थोड़ा सा नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का कैलकुलेशन बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज का जो चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ था वो कंप्लीट कर ले, इम्प्यूरिटीज का चैप्टर, यस और नो? यस सर। ओके वेट, ओके, तो हम लोगों ने क्लोराइड की देखी थी, राइट, क्लोराइड का हो गया था, तो ओ, तो 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 ओके हाँ, तो ये तुम लोगों को पता ही है स्टैंडर्ड क्या होता है और किसमें क्या यूज करते हैं किसमें क्या नहीं यूज करते, ये तो तुम लोगों को सबको पता है, राइट, वन सेकेंड आ गए सब लोग, ओके हाँ। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सैंपल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या किया है इन्होंने, सो देखना टेस्ट सैंपल के बारे में ये क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इनटू द वाटर और अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज अ डायरेक्ट इन अ फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर इट इनटू द नेस्लर सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर जैसे होता है, राइट, तो इसको एक स्पेसिफिक वेस्ट अपना क्या करना है, अपना जो सैंपल है वो सैंपल अपने को लेना और उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर अपने को 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डालना है, क्या डालना है, नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, एंड देन उसको डाइल्यूट करना है 50 ml तक, कितना करना है 50 ml तक, उसका वॉल्यूम मेकअप करना है, एंड जैसे वो 50 ml हो जाएगा तो उसके अंदर उसके बाद में 1 ml ऑफ AgNO3 ऐड करना है और उसको थोड़ा सा शेक करके, है ना, थोड़ा सा स्टर करके, उसको हम लोग बोलते हैं ना स्टरिंग करना है, तो वो स्टर करके हम लोग 5 मिनट को हम लोग साइड में रख देंगे, तो साइड में रखने के बाद हम लोगों को टर्बिडिटी एंड ओपेलसेंस मिल जाएगा, टर्बिडिटी एंड ओपेलसेंस मिल जाएगा, राइट, तो ये है तुम्हारा टेस्ट सैंपल का। स्टैंडर्ड सैंपल का देखो 1 ml ऑफ 0.05845% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है, क्या लेना है, NaCl 0.05% weight by volume अपने को क्या करना है, NaCl लेना है in Nessler cylinder, उसका 1 ml लेना है, then nitric acid डालना है, opalescence means बेटा वही, देखो एक चीज होती है ना पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर होता है और एक होता है थोड़ा सा ओपैक, ओपैक मतलब का थोड़ा सा धुंधला धुंधला, उसमें थोड़ा सा व्हाइटिश आता है, तुम लोग कभी पहाड़ों के एरिया में गए हो जैसे बारिश के दिन पे या फिर कभी ठंडी के दिन पे, तो क्या होता है कोहरा आता है, क्या आता है कोहरा, मराठी में हम लोग बोलते हैं उसको धुके आते हैं, राइट, तो जब भी नॉर्मल हम लोग डेज में होते हैं तो पूरा का पूरा क्लियर दिखता है, लेकिन जब कोहरा या फिर धुके आते हैं तो कैसे दिखता है, थोड़ा ब्लर दिखता है, राइट, थोड़ा सा ओपेल दिखता है ना, थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं मराठी में अपन तरह बोलते फुसट फुसट दिसना, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेलसेंस, है ना, ओपेलसेंस हम लोग उसको बोलते हैं, राइट, ओके, सो ये हो गया तुम्हारा ओपेलसेंस का मीनिंग। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जैसे तुम लोगों ने 1 ml ले लिया तो उसके अंदर तुम लोगों को 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डालना है, अगेन उसका वॉल्यूम मेकअप करना है 50 ml तक,
1 ml ऑफ AgNO3 डालना है, उसको स्टर करके 5 मिनट बाजू में रखना है, तो ऑब्वियसली आपको ओपेलसेंस एंड टर्बिडिटी मिल जाएगी. ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, ओपेलसेंस एंड टर्बिडिटी मिल जाएगी. राइट, ओके. वेट, ये देखो, ये वाली देखना, ये वाली वीडियो देखना, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखना. आवाज बढ़वा सर, मारा आवाज एवढाच आहे माझ्या पीसीला. एक सेकंड. आवाज नाही येत आहे. ओपेलसेन्स मीनिंग, जस्ट व्हिडिओ बघा, तुम्हाला समजून जर आवाज नाही आला तरी चालेल, मी व्हिडिओची लिंक ग्रुप वरती शेअर करतो, तुम्ही परत ती व्हिडिओ बघा. आता पहिली फक्त व्हिडिओ बघून घ्या, ठीक आहे. अभी जस्ट व्हिडिओ देख लो, ये पूरा लेक्चर होने के बाद ये जो हम लोग अभी व्हिडिओ देख रहे ना, इसका लिंक मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो आवाज के साथ तभी तुम लोग देख लेना आराम के साथ, है ना, फुर्सत में. अभी जस्ट देख लो. देख रहा अभी एक क्लियर है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है.
हो गया, जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो का लिंक सेंड कर देता हूँ, एक सेकेंड. गाइज मैंने जो लिंक थी वो लिंक तुम्हारे ग्रुप के ऊपर डाल दी है. तुम लोगों ने अभी जस्ट वीडियो देखा कि कैसे क्लोराइड टेस्ट की लिमिट टेस्ट की करते हैं, तो वो जस्ट वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को पता चला कि क्लोराइड की टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं. क्लियर? यस और नो? यस. बाकी के लोग बोलो भी जल्दी, जरा थोड़ा सा बोलो. सो गए क्या? यस सर. यस. अच्छा सो गए क्या? इसके ऊपर यस यस बोल रहे हो क्या? कि समझ गए इसके ऊपर यस बोल? समझ गए. अच्छा ओके फाइन ओके चलो. सो ये सिंपल रिएक्शन था, जस्ट बस दो तीन सॉल्यूशन हम लोगों को ऐड कर रहे थे. उसके हिसाब से अपन को क्या करेगा, मतलब पता चलेगा कि टर्बिडिटी आ रही है नहीं आ रही, या फिर थोड़ा सा व्हाइट कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? ओके सो ये हो गया तुम्हारा. तो ऑब्जर्वेशन क्या, ओपेलसंस प्रोड्यूसेस इन दी सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन दी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. तो जो जितना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हिसाब से अपनी क्या होनी चाहिए, जो ओपेलसंस या अभी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कम होना चाहिए. अगर वो ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है, तुम्हारा लिमिट टेस्ट या फिर क्लोराइड उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. ओके ओके तो आगे बढ़ते हैं. रीजन देखो, रीजन क्या है, नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक सॉल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एज द डाइल्यूट HNO3 इज इनसॉल्युबल इन क्या है, सिल्वर क्लोराइड, है ना? तो ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बना रहा था वो उसको, मतलब जो भी हम लोग कर रहे थे उसकी जो मीडियम थी उसका जो एनवायरमेंट था वो एसिडिक करने के लिए, और ये सिल्वर नाइट्रेट हमारे HNO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए या फिर AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है. इसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड यूज किया है, राइट, फॉर द एसिडिक मीडियम, है ना, फॉर द एसिडिक एनवायरमेंट वहां पे क्रिएट होने के लिए हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड यूज किया है, राइट. ओके सो नेक्स्ट वन देखना. तो नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या दिया इन लोगों ने, बहुत कुछ दिया है, तो ये वाला छोड़ दो, ये वाले पॉइंट नहीं पढ़ना है तुम लोगों को. यहाँ पे कुछ भी मत पढ़ो तुम लोग, यहाँ पे कुछ भी मत पढ़ो ये वाला, ठीक है. अगला वाला देखते हैं. सो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, सल्फेट वाला लिमिट टेस्ट देखते क्या है. तो सल्फेट लिमिट टेस्ट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द अलाउएबल लिमिट ऑफ सल्फेट कंटेंट इन अ सैंपल. तो कोई अपने सल्फेट की कितनी इंप्यूरिटी,
प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सल्फेट की लिमिट टेस्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। सो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट, है ना। तो ये लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर बेस है, तो अपने सोल्यूशन के अंदर कितना सल्फेट सोल्यूबल है इसके ऊपर है, राइट। तो ये जो सोल्यूबल सल्फेट है, ये सोल्यूबल सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, इन अ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। तो ये क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो ये बेरियम सल्फेट भी कैसा है, एक तरह का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, या फिर टर्बिडिटी या फिर ओपेलसंस क्रिएट करता है, राइट, व्हाइट कलर का या फिर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर का टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, कौन, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो रिएक्शन दिए तुम लोगों को सामने, SO42-, है ना, सल्फेट के आयंस है ये, तो SO42-